दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं एनामुल्ला खान। अमेरिका के एक सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हुए भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है। अब उसी बातों को लेकर विपक्ष के नेता बोलना चालू कर दिए हैं, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने ईवीएम पर काफ़ी कुछ बोलना चालू कर दिया है। आगे बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने रविवार 16 जून को ईवीएम से छेड़छाड़ के तमाम दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने उस रिपोर्ट को नकार दिया जिसमें दावा किया गया था कि नव निर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन था जिससे ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता था। रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि ईवीएम एक स्टैंड अलोन सिस्टम है जिसे अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं होती। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने मिड डे अखबार में छपी एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर के एक रिश्तेदार के बारे में बताया गया था जो 4 जून को मतगणना के दौरान ईवीएम से जुड़े मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां रविंद्र वायकर इस सीट से मात्र 48 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने कहा ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल पर कोई ओटीपी नहीं है क्योंकि यह प्रोग्राम करने योग्य नहीं है और इसमें वायरलेस संचार क्षमता नहीं है। सूर्यवंशी ने कहा कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आज ट्वीट की है जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है, उसमें चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया फॉलो की है। यह अखबार के माध्यम से फैलाई जा रही अफवाह है जिसका इस्तेमाल कुछ नेता झूठी कहानी बनाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मिड डे अखबार को मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 499-505 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।